टीवी पर लंबे समय से आने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा बीते करीब 17 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। इस शो की कहानी के साथ साथ दर्शक इसके कैरेक्टर्स को भी खूब पसंद करते हैं। बीते काफी वक्त से विवादों से ये शो घिरा हुआ है। शो से एक के बाद एक कंटेस्टेंट्स शो छोड़कर जा रहे हैं। हाल ही में शो में सोनू भिड़े का किरदार अदा करने वाली पलक सिद्धवानी ने सीरियल को अलविदा कह दिया। एक तरफ जहां शो के मेकर्स पलक पर लीगल एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस ने उन पर मानसिक रूप से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया है। जाते जाते पलक ने मेकर्स को लेकर कई हैरान कर देने वाले दावे किए हैं। पलक सिद्धवानी और उनकी टीम ने एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कई चौंका देने वाले दावे किए हैं। एक्ट्रेस ने दावा किया है कि उन्हें 14 सितंबर को एक्ट्रेस को सेट पर ही पैनिक अटैक आ गया था, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। पैनिक अटैक के बाद डॉक्टर ने पलक को बेड रेस्ट करने की सलाह दी। अब इसके बावजूद उन्हें फिर भी सीन करने के लिए मजबूर किया गया। पलक सिद्धवानी ने अपने बयान में बताया कि मेकर्स ने उन पर जो भी आरोप लगाया है वो सभी झूठे हैं। साथ ही कहा कि जब उन्होंने साल 2019 में सोनू यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कदम रखा और एग्रीमेंट साइन किया, तब मेकर्स ने उन्हें इतना भी वक्त नहीं दिया कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ भी सके। इसके बाद एक्ट्रेस ने कई बार एग्रीमेंट की कॉपी भी मांगी, लेकिन प्रोडक्शन हाउस का कहना था कि वो किसी को भी इसकी कॉपी नहीं देते। अब इसके अलावा जब पलक ने पूछा कि उन्हें शो के साथ साथ दूसरे असाइनमेंट लेने से नहीं रोका जाएगा, तो मेकर्स ने उस वक्त इसको लेकर हामी भरी थी कि वो दूसरे कलाकार की तरह कर सकते हैं। अपने बयान में पलक ने यह भी बताया कि 18 सितंबर को उनकी मेकर्स के संग मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो शो का हिस्सा होते हुए भी विज्ञापन कर रही हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है। अब इसको लेकर मीटिंग में उन्हें ये भी धमकी दी गई कि प्रोडक्शन हाउस उनके सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर सकता है, उनके करियर को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। इसके बाद ही उनकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगी। यही नहीं, पलक के बयान में बताया गया कि आज तक उनको भुगतान भी नहीं किया गया, जो 21 लाख से ज्यादा है। बता दें कि फिलहाल पलक सिद्धवानी के आरोपों पर मेकर्स की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। ऐसी अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।